हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। आज का हमारा टॉपिक है जो गर्भावस्था में शिशु होते हैं, जो कि 4 वीक का होता है यानी कि 1 मंथ का। आज मैं बताऊंगी उसके विकास के बारे में कि वह गर्भावस्था में 4 वीक में कैसे कैसे विकास करता है और क्या क्या 4 वीक में विकसित हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। 4 सप्ताह की गर्भावस्था होने तक आपके गर्भ में कोशिकाओं का गोलाकार गुच्छा यानी कि एम्ब्रायो के रूप में विकसित हो चुका होता है। हालांकि इसका माप केवल खसखस के बीज जितना होता है, फिर भी भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। कोशिकाएं जो है आपको पेरिमेटिव एस्टिक नामक क्षेत्र में जाकर के बस रही है और 3 परतों में जो है वो बटी हुई होती है, जो कि आगे चल के जो आपका शिशु होता है उसका जो ऑर्गेन्स और टिश्यू होता है वो बनता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन किन 3 परतों में बटी होती है और उन 3 परतों से क्या क्या शिशु का विकसित होता है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है अपर लेयर, जिसे कि हम एक्टोडर्म कहते हैं। ये जो है आपका नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन, स्किन, नाखून और हेयर और जो पसीने की ग्रंथि होती है और जो स्तन की ग्रंथि होती है और जो दांत की ग्रंथि होती है, इन सब अंगों को बनाने के लिए यह जो है जिम्मेदार होता है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी की, तो वो है मिडिल लेयर, जिसे कि हम मेसोडर्म कहते हैं। यह जो है आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बच्चे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका निर्माण करता है, हार्ट का और कनेक्टिव टिश्यू का, और फिर जो मूत्र जनन अंगी प्रणाली होती है उसका, और फिर कंकाल का, और फिर जो मांसपेशियाँ होती हैं यानी कि मसल्स वगैरह उसका निर्माण करती है। तीसरा जो लास्ट होता है वह होता है इनर लेयर, जो कि शिशु के लंग्स और फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या फिर जो जठरांत संबंधी जो मार्ग होता है उसको बनाने में ये जो जिम्मेदार होता है। और ख़ास करके इसके अंतर्गत आते हैं अग्नाशय और लीवर यानी कि पेनक्रियाज, लीवर और फिर थायराइड, ये सब विकसित करने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है इनर लेयर का। इसी से ये सारे ऑर्गन्स जो है विकसित होते हैं। और भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक थैली होती है जो तरल से भरी होती है। ये जो है गर्भस्थ शिशु का बचाव करती है। अपरा यानी कि प्लेसेंटा, इसका भी जो होता है विकास जो है वो शुरुआती चरण में होता है। इसके बाद 10 सप्ताह की गर्भावस्था तक, जब तक यह पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, यह आपके शिशु तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाएगी। यह तब तक छोटी पित्तक झिल्ली यानी कि जिसे योक सैक कहते हैं, वो भ्रूण को जो है जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती रहती है। इसके अलावा कॉर्जिनिक नामक जो आउट एम्ब्रोइनिक मेम्ब्रेन होता है वो जो होता है तब तक में प्लासेंटा का निर्माण करना शुरू कर देता है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि बेबी पोजीशन एट 4 वीक प्रेग्नेंट, तो इस वक्त वो आपके गर्भाशय स्तर से चिपका हुआ है। हालांकि कुछ हफ्तों या महीनों बाद से बच्चे की जो स्थिति है वो सही अनुमान लगाया जा सकता है। जब आपके शिशु का 1st वीक चल रहा होता है तो उस समय लगभग जो है आपकी जो बच्चे की लंबाई होती है वो लगभग 0.11 इंच यानी कि 2 मिमी का होता है। गर्भावस्था के 4th हफ्ते में शिशु का वजन लगभग जो है 1 ग्राम का हो जाता है। ये तो था प्रेगनेंसी का 4th सप्ताह। इसी तरह से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे 5वां और 6ठा सप्ताह के बारे में कि भ्रूण का विकास किस तरह से होता है गर्भावस्था में। और इसी के साथ आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरह आपको रोज़ नई नई इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।